देश भर के सेवा केंद्रों पर जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। देखिए उसकी मनोरम झलकियां। ब्रह्मा कुमारीज वडोदरा में अटलादरा सेवा केंद्र पर भव्य आध्यात्मिक संगीत संध्या एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृष्ण लीलाओं की पारंपरिक विद्या में रास लीला, नृत्य, मटकी फोड़ कार्यक्रम एवं बीके कलाकारों द्वारा संगीत संध्या कार्यक्रम तथा नाटक के द्वारा जन्माष्टमी के आध्यात्मिक रहस्य का दर्शन कराया गया। कार्यक्रम में शिक्षण समिति के एक्स चेयरमैन मीना बहन, फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रियलिस्ट पीयूष नथवानी, सेक्रेटरी SVV पी सुरेश भाई, मखीजानी सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी हरीश मखीजानी एवं संगीत संध्या टीम के विशिष्ट कलाकार बीके हंसा बहन, बीके प्रवीण एवं बीके चमन भाई भी उपस्थित रहे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा बहन द्वारा आगंतुक अतिथियों को जन्माष्टमी के आध्यात्मिक रहस्य से अवगत कराया। मुंबई के मीरा रोड में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व बहुत ही रोचक रीति से मनाया गया, जिसमें फिल्म जगत से मॉडल एंड एक्टर गौरव कुमार, एक्टर मॉडल तथा सिंगर शैलेश मेनन, मिस्टर इंडिया ग्लोबल 2023 के विजेता एक्टर अक्षय चंदेल उपस्थित रहे। साथ ही सेलिब्रिटी मैनेजर शशि लोहरूका ने भी इस पूरे कार्यक्रम की सराहना कर सेंटर इंचार्ज बीके रंजन बहन का सम्मान किया और सभी कलाकारों ने अपनी शुभ भावना व्यक्त की। कार्यक्रम में काफी संख्या में मीरा रोड के भाई बहनें उपस्थित थे। श्री कृष्ण की सुंदर झांकी डांस के द्वारा श्री कृष्ण का जन्मोत्सव तथा नई दुनिया के महाराजन द्वारकाधीश बनने तक की कहानी ड्रामा के द्वारा प्रस्तुत की गई। ग्वालियर समाधिया कॉलोनी द्वारा श्री कृष्ण का जन्मोत्सव श्री सत्यनारायण मंदिर में हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसमें श्री कृष्ण सुदामा मिलन एवं श्री कृष्ण लीला की प्रस्तुति रही। इस मौके पर लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श दीदी, बीके लक्ष्मी और बीके राधा बहन उपस्थित रहे। रतलाम के डोंगरी नगर स्थित दिव्य दर्शन भवन सेवा केंद्र पर चैतन्य राधा कृष्ण की झांकी द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पोरवाल समाज से राजेंद्र पोरवाल, तारा पोरवाल तथा बीके सविता दीदी, बीके गीता दीदी द्वारा श्री कृष्ण जी की मूर्ति एवं चैतन्य राधे कृष्ण की पूजा व आरती की गई। जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में दिल्ली के रोहतास नगर सेवा केंद्र पर सेंटर इंचार्ज बीके बलबीर दीदी ने सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें शाहदरा SHO संजीव कुमार, रोहतास नगर मार्केट के करंट प्रेसिडेंट अजीत अग्रवाल को आमंत्रित किया। दीदी ने सभा को संबोधित करते हुए ईश्वरी सौगात भेंट की। मध्य प्रदेश ग्वालियर के माधवगंज प्रभु उपहार भवन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया गया। इस मौके पर नन्हे बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को उल्लासित कर दिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विधायक प्रवीण पाठक ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में आना यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। साथ ही बीके आदर्श दीदी, डॉक्टर गुरुचरण भाई और बीके प्रहलाद भाई उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश रूरा के पालीवाल नगर सेवा केंद्र में जन्माष्टमी का रंगारंग कार्यक्रम सम्पन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि थाना अध्यक्ष श्री कपिल दुबे, आचार्य श्री पीयूष जी महाराज मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों ने कृष्ण लीलाओं पर आधारित नाटक गोवर्धन पर्वत, माखन चोर एवं कृष्ण जन्म का मंचन हर्ष उल्लास से किया। कार्यक्रम का संचालन बीके प्रीति बहन ने किया और सभी का सम्मान बीके वंदना व बीके भारती बहन ने किया। मध्य प्रदेश के करेली सेवा केंद्र पर जन्माष्टमी मनाई गई, जिनमें बच्चों ने राधे कृष्ण बनकर कई सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। जम्मू कश्मीर के वनतालाब में भी जन्माष्टमी पर चैतन्य झांकी सजाई गई और सभी भाई बहनों ने खूब उमंग उत्साह से सेलिब्रेट किया। ब्रह्मा कुमारी जोधपुर सेवा केंद्र चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में जन्माष्टमी का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। इस मौके पर सेवा केंद्र को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया। साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील दीदी और बीके मीनू बहन द्वारा जन्माष्टमी का आध्यात्मिक रहस्य बताया गया। इस अवसर पर मोनिका ग्रुप द्वारा नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी भाई बहनों द्वारा रास भी किया गया। ब्रह्मा कुमारी शिनोर द्वारा जन्माष्टमी का पावन पर्व बहुत ही उमंग उत्साह से मनाया गया।
इस प्रोग्राम में शिनोर तालुका के गांव-गांव से भाई बहने एवं भाजपा बड़ौदा जिला मंत्री हीना बहन ने भी भाग लिया। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र सोजत सिटी में जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आध्यात्मिक ज्ञान संगोष्ठी के साथ शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित भाई बहनों ने श्री कृष्ण के जीवन चरित्र के आध्यात्मिक रहस्यों को प्रश्न उत्तरों के द्वारा प्रकाशित किया। इस कड़ी में श्री कृष्ण आ रहे हैं विषय पर चैतन्य झांकी का आयोजन किया गया। नन्हे बालकों ने राधा कृष्ण के परिवेश धारण कर वृंदावन में खेलपाल का दृश्य रचा। ब्रह्मा कुमारी ग्वालियर तानसेन नगर के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बाल कलाकारों के द्वारा कृष्ण सुदामा नाटक व अनेक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुधा बहन ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आध्यात्मिक रहस्य को सभी के बीच स्पष्ट किया। ब्रह्मा कुमारी भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र में जन्माष्टमी मनाई गई। कार्यक्रम में जेल सुपरिटेंडेंट समीर रंजन, बीजू पटनायक मौजूद रहे। साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने जन्माष्टमी का रहस्य लौकिक और अलौकिक में इस बारे में जानकारी देते हुए मेडिटेशन कराया। कार्यक्रम का अनेक भाई बहनों ने आनंद उठाया। महाराष्ट्र के वर्धा में सेवा केंद्र प्रभारी माधुरी दीदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर तैयार की गई सुंदर झांकी का उद्घाटन विधायक पंकज भाव भोयर, शीतलताई भोयर के साथ किया। इस कार्यक्रम में लॉयंस क्लब के सचिव अनिल भाव नरेडी, बैंक ऑफ बड़ौदा के जोनल अधिकारी रमेश कुमार शाह, शाइनिंग स्टार स्कूल के निर्देशक समीर भाव शेंडे आदि भी उपस्थित रहे। साथ ही ओम डांस अकेडमी की ओर से नन्ही बाल गोपिकाओं ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत करके दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का संचालन बीके रेणु दीदी ने किया और कार्यक्रम का समापन दही हांडी और गोपाल कला के साथ हुआ। मध्य प्रदेश राजगढ़ के शिव वरदान भवन में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया गया। इस मौके पर बाल कलाकारों ने कृष्ण जी की लीलाओं पर आधारित चैतन्य झांकी प्रदर्शित की, जिसका उद्घाटन समाज सेवी मौना सुस्तानी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नम्रता विजयवर्गी, जिला प्रभारी बीके मधु दीदी तथा अन्य गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर सभी भाई बहनों ने राज भी किया। आगरा सेवा केंद्र पर भी बाल कलाकारों द्वारा चैतन्य राधे कृष्ण की झांकी सजाई गई। साथ ही बाल कृष्ण द्वारा मटकी फोड़ भी आयोजित किया गया।